ये देखिए ऑथेंटिक बटर मसाला डोसा, और ये कोन डोसा, ये पनीर डोसा, इसके क्रिस्प सुनिए। आज हम आपको तीन अलग अलग तरह के डोसा बनाना बताएंगे, और ये पेपर डोसा कितनी क्रिस्पी है देखिए। तो बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन कुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डोसा बनाएंगे। मेरा ये दावा है कि अगर आपने कभी डोसा नहीं बनाया या आपके डोसे अच्छे नहीं बनते, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके डोसे कभी ख़राब नहीं होने वाले। डोसा बैटर बनाने से लेकर इसकी स्टफिंग और डोसा फैलाने की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। हम तीन अलग अलग तरीकों से डोसा बनाना आपको बताएंगे, तो चलते हैं किचन में। डोसे बनाने के लिए हमने चावल लिया है। कोई भी आप मोटे वाले चावल ले सकते हैं, या इडली राइस भी दुकान पर मिलती है। चावल का हमें तीन हिस्सा लेना है, और ये उड़द दाल है। अगर हम तीन कटोरी चावल लेते हैं तो एक कटोरी हमें उड़द दाल लेनी है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून हम चना दाल लेंगे, और लास्ट में 2 टी स्पून मेथी दाना लेंगे, जिससे डोसे का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा आप या तो मुरमुरे ले सकते हैं या फिर पोहे ले सकते हैं। इसे डोसे क्रिस्पी बनते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर है तो लीजिए, ना है तो कोई बात नहीं। अब हम चावल और दालों को 6 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे, और मुरमुरे को हमें 2 घंटे पानी में सोख करना है। हमने पहले से ही सभी चीज़ों को पानी में अच्छे से वॉश करके और सोख करके ले लिया है। ये फूल कर अपने साइज से डबल हो गए हैं। हमने मुरमुरे को भी 2 घंटे पानी में सोख करके ले लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, और उसमें भिगोए हुए चावल, दाल, मुरमुरे और 1 कप पानी डालकर इसका बैटर रेडी करेंगे। डोसे का बैटर पीस कर रेडी है, तो हम इसे एक पतीले में ट्रांसफ़र करेंगे, और सेम प्रोसेस से बचे हुए चावल दाल को भी स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। हमने सारे दाल चावल को ग्राइंड कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में रखनी है, बिल्कुल इसी तरह। और हाँ, दाल चावल के बैटर को हमेशा एक बड़े पतीले में ही रखें। ये देखिए, हमारे पतीले में ऊपर इतनी स्पेस खाली है, क्योंकि जब हम इसे फर्मेंट करेंगे तो ये फूलेगा, और पतीला छोटे होने की वजह से या तो ये फर्मेंट होने के बाद बाहर गिर जाएगा, या फिर अच्छे से फर्मेंट होगा ही नहीं। अब हम बैटर को कवर करेंगे और 8 से 10 घंटे इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम लीड को हटाएंगे और अपना बैटर चेक करेंगे। ये देखिए, बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। इसीलिए हमने कहा था कि पतीले के ऊपर जगह खाली होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे 2 इमेज दिख रही होंगी, आप खुद फर्क देख सकते हैं। अब मैं आपको इस बैटर की जाली दिखाती हूँ, कितनी सारे बबल्स आए हैं बैटर में, और ये बबल के मतलब होता है कि हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट होकर रेडी है। तो अब एक बाउल में जितनी बैटर की ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे, और बाकी का फ्रिज में स्टोर करके 4 से 5 दिन तक रखा जा सकता है, और आप इस बैटर से इडली भी बना सकती हैं। अब निकाले हुए बैटर में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल हमें ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम डोसे के लिए मसालेदार पनीर और आलू के स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे, 2 से 3 सूखी मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून चना दाल डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून राई डालेंगे। अब इसमें हम 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। अब हम इसमें 2 स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डालेंगे, और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक हम भून लेंगे। प्याज भुनने के बाद इसमें हम एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, और टमाटर को भी रोस्ट कर लेंगे, और इसे ढककर हम टमाटर गलने तक पका लेंगे। अब हम लीड को हटाएंगे, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टी स्पून गरम मसाला डालेंगे, और इसे हम रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और 50 ग्राम रोस्टेड मूँगफली डालेंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम 100 ग्राम छोटे साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हम इस रेसिपी में छोटे साइज में कट किए हुए ही डालेंगे, और इसे भी हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे। पनीर आलू मसाला हमारा बनकर रेडी है, तो अब चलते हैं डोसे बनाने के प्रोसेस में। डोसा बनाने के लिए हमने नॉनस्टिक तवे को मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। इसमें कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल डालेंगे, और पानी के छींटे मारकर एक किचन नैपकिन से इसे पोंछ लेंगे। अब हम 1 कलछी बैटर को तवे के सेंटर में रखेंगे,
और इसे आगे की साइड गोल गोल घुमाते हुए कलछिल को तवे के एंड में ले जाएंगे। इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी रिंग्स बनी है, इसे हम छेड़ेंगे नहीं। ये रिंग्स बहुत खूबसूरत लगती है। ये डोसा जैसे जैसे पकता है साइड छोड़ते जाता है। पहला डोसा कभी भी उतना अच्छा नहीं बनते हैं जितना बाकी के डोसे बनते हैं। अगर आपका पहला डोसा ख़राब हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, बाकी सारे डोसे आपके क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये डोसा साइड से तवे से अलग हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को हम सेंटर में रखेंगे और इसे हम फैला देंगे और एक तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे। तो ये डोसा बन के रेडी है। इसके रिंग्स काफ़ी क्रिस्पी और सुनहरी बनी है। अब हम आपको कोन डोसा बनाना बताते हैं। सेम प्रोसेस से इसके हम पानी के छींटे मारेंगे और किचन नैपकिन से हम इसे पोंछ लेंगे। अब हम एक कलछी बैटर को उस तवे के सेंटर में रखेंगे और इसे आगे की साइड गोल गोल घुमाते हुए कलछी को तवे के एंड में ले जाएंगे। इसे सीकने के बाद हम सेंटर से साइड तक एक कट लगा लेंगे और कट हम हल्के हाथों से लगाएंगे ताकि हमारे तवे पे खरोच ना आए। अब हम कटे हुए एक भाग को उठाएंगे और इसे एंड तक ले जाएंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कोन डोसा बन के रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी हमारा कोन डोसा बना है। अब हम ऑथेंटिक बटर मसाला डोसा बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से वापस से भी हम पानी का छींटे मारेंगे और इसे किचन नैपकिन से पोंछ लेंगे। कलछी बैटर लेंगे और तवे के सेंटर में रखेंगे और इसे आगे की साइड गोल गोल घुमाते हुए कलछी को तवे के एंड में ले जाएंगे। डोसा पकने के बाद हम एक बटर का क्यूब्स रखेंगे और इसे हम मेल्ट करेंगे और आधा कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और आधा कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे हम सेंटर में ही भून लेंगे क्योंकि सेंटर में ही तवे का हीट ज़्यादा आता है। और प्याज और टमाटर को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ हल्का ही भूनेंगे। अब हम इसके सेंटर में मसाला रखेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फैला लेंगे और एक साइड को उठाते हुए दूसरी साइड से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा ऑथेंटिक बटर मसाला डोसा बन के रेडी है। तो अब चलते हैं हम सर्विंग के प्रोसेस में। तो हमारा तीनों तरह का डोसा बन के रेडी है। हमने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए इंडियन फूड रेसिपी यूट्यूब चैनल को और बेल बटन प्रेस करिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस।